हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब आज बात करेंगे कि शैतान मूवी इतनी ज्यादा हिट क्यों जा रही है, यानी लोगों को इतना कनेक्ट क्यों कर रही है और ये इतना सक्सेस क्यों अचीव कर रही है, क्योंकि इस मूवी ने 3 ही दिन में अपनी बजट की रिकवरी कर ली है और एक फाइन सक्सेस अचीव कर रही है। रीमेक होने के बाद भी ये मूवी बॉलीवुड की ऐसी मूवी उभर कर आ रही है जो भाई साहब रीमेक जैसी नहीं लग रही है। सभी इसकी ओरिजिनैलिटी एंड प्योरनेस की दाद दे रहे हैं क्योंकि ये अलग ही एंगल में लोगों को कनेक्ट करके जा रही है। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, अभी तक इस मूवी ने कितनी कमाई कर ली है, दूसरा इसका सक्सेस जो अचीव करने का तरीका है वो कैसे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, इसी के साथ इस पे ही बात करेंगे कि इस पे और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, यानी और भी क्या ऐड कर सकते थे जो लोगों को जो भी सिर्फ ब्लॉकबस्टर देके जा रहा है वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर वाली वाइब देकर जाता, जो एनिमल के साथ बहुत सी चीजें कनेक्शन अभी सेट करेंगे, अभी बात बैठाएंगे। तो इससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, अगर एक लाइक आपका मिलेगा तो फुल सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि यहां से बूस्ट करता है यूट्यूब हमको और हम तो चाहते हैं कि YouTube हमें बूस्ट करे, तो आपका सपोर्ट बना रहे, बस इसी उम्मीद में रहेंगे। बाकी अभी बात करते हैं शैतान मूवी के बारे में कि ये भाई लोगों को इतना हिट क्यों कर रही है। वैसे फर्स्ट बात ये कि मूवी में सब कुछ रियलिस्टिक बेस पर काम हो रहा है, मतलब रियलिटी पर काफी फोकस करा गया है, एज टिपिकल बॉलीवुड की वो वाली फिल्में जो अभी तक हॉरर के नाम पर गंदा चेहरा या फिर साउंड बीजीएम के सहारे कुछ ऐसे मोमेंट या सीन अंदर ही क्रिएट कर देना कि उससे डरावना माहौल लगे, पर ऐसा इसमें नहीं दिखाया गया है। सिर्फ ये दिखाया गया है कि रियलिस्टिक बेस पर क्या काम हो सकता था, यानी अगर मतलब मेकर्स और डायरेक्टर का एक ही फोकस था कि अगर ये चीज तुम्हारे साथ हो गई तो कैसा होगा, और वही चीज इन्होंने करी है और वो चीज 101% सफल होते नजर आई क्योंकि लोग इससे कनेक्ट करे, लोगों ने एक बार खुद को उनकी जगह पर रख के देखा कि भाई अगर ये हमारे साथ हो जाएगा तो फिर कैसा होगा। दिस इज द गेम चेंजर ऑफ दिस मूवी, लाइक क्रुएलिटी वाला हिसाब किताब किया आर माधवन ने और जो जानकी बॉडी वाला है, ये दो जो एक्टर हैं भाई, ये जो अपने कैरेक्टर में घुसे हैं फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट तरीके से घुसे हैं। आर माधवन जिस हिसाब से डेविल हो सकता था, जिस हिसाब से निगेटिव ला सकता था, उसने वो पूरी एफर्ट उसने मारा है और वो जबरदस्त आए, लोग नफरत करने लग गए उस पर। जानकी बॉडी वाला एक ऐसा हेल्पलेस कैरेक्टर बन के उभरा जो लोगों को मजबूर कर गया उसके लिए दया दिखाने के लिए, उसके लिए सिंपथी दिखाने के लिए, दैट्स वाई कि ये इतना कनेक्ट करके गया है। देन उसके बाद पेरेंट्स के रूप में ज्योतिका और अजय देवगन को इतना हेल्पलेस पेरेंट्स दिखाया है कि जो फैमिली वाली ऑडियंस थी, क्योंकि यस यूएस सर्टिफिकेशन के चलते इन्होंने बहुत कुछ इग्नोर भी किया है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इतना हेल्पलेस कैरेक्टर तो ऐसी एक मच्योर ऑडियंस को वो चीज़ भी कनेक्ट करके गई कि यार मेरी औलाद या फिर मेरी संतान के साथ ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा। ये सारी चीजों पर रियलिस्टिक बेस पर लाइक थप्पड़ मारने वाला सीन, लाइक वो गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के, भाई अपनी ही बच्ची को आप गैस सिलेंडर के ऊपर बैठे और हाथ में माचिस और वो तुरंत फटने वाली हो, सोच के देखो कितना खतरनाक सीन होगा, तो वो कनेक्ट करके गया है। चाकू से मारने वाला सीन, वो भी बिना सोचे समझे, वो बिल्कुल रियलिस्टिक। ये सारी चीजें एक गेम चेंजिंग पॉइंट थी इस मूवी के लिए जो बिल्कुल कनेक्ट करके गई हैं और जो 3 ही दिन में सक्सेस रेशियो 101% लेके जा रहा है इस मूवी को। दूसरा कि भाई साहब ये सारी चीजें फाइन थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्या जोड़ सकते थे। देखो ऐसी मूवी जो डार्क एंड हॉरर पे बनती है भाई, इन पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। आर माधवन का जो निगेटिव एंड डेविल कैरेक्टर है उसके पास कोई लिमिटेशंस है बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ भी करवा सकता है उस बच्ची से। तो पर ऐसा भी नहीं, क्योंकि वर्स्ट जो मूवी थी ओरिजिनल उसमें थोड़े एडल्ट सीन थे, कुछ था वैसा वाला, लेकिन अगर यहां पर ऐसा कुछ डाल देते, लेकिन मेकर्स और डायरेक्टर ने कोशिश क्या करी कि यूएस सर्टिफिकेशन पे ही ये मूवी को दिखाया जाए, यानी फैमिली कंटेंट पे बनाया जाए। अगर एनिमल जैसा अगर ये लोग दिमाग लगा लेते कि भाई ये चीज हम हैं और इसी के जरिए तुम्हें पसंद करना है तो करो वरना डजंट मैटर, लाइक इसमें क्या डाल सकते थे भाई, थोड़ा सा और ब्रूटैलिटी डाल सकते थे, और भी ज्यादा क्रुएलिटी डाल सकते थे। डेविल हॉन्टेड वाली मूवीज में सेक्स एडल्ट सीन अगर होता तो वो भी ठीक था, पर ये इंटरनेशनल कंटेंट को मैच कर जाता अगर ऐसे वाले सीन होता। फिलहाल इंडियन सिनेमा में हम ऐसा इमेजिन नहीं करते, तो डजेंट मैटर की ये नहीं, बट इसकी अपोजिट में ये वाला डाल देती ऐसे सीन्स की कुत्ता बिल्ली मीट मांस कुछ भी खा रहे, मतलब डर्टी से डर्टी कुछ भी, लाइक चाय पत्ती वाला जो सीन था ना उस पर और भी डर्टीनेस ला सकते थे, कुछ भी सड़ा हुआ कुत्ता खा रहे हो इस टाइप से, मतलब कितना भी नेगेटिव भाई वो जो आ जाता, तो जो एक एडल्ट यंग कैटेगरी की ऑडियंस थी वो जो तबका था इसे अच्छा खासा पसंद आता। तो जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही कि 200 करोड़ या 250 करोड़, भाई साहब 500 करोड़ भी ये इजीली ठोक के जा सकती थी क्योंकि एनिमल अच्छा खासा सबूत है हमारे पास।
बाकी भाई ये मूवी 3 दिन कंप्लीट कर चुकी है और 3 ही दिन में इस मूवी ने अपना बजट इजिली रिकवर कर लिया है। जो 60 से 65 करोड़ का बजट इसमें दिखाया गया है, शैतान ने 3 ही दिन में 53 करोड़ 50 लाख सिर्फ नेट इंडिया से कमा लिया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ से ऊपर ये मूवी कर चुकी है और अभी भी ये मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। दैट्स वाई कि लोग पसंद कर रहे हैं और भी ज़्यादा इसको देखने के लिए, मतलब चॉइस रख रहे हैं, फैमिली ऑडियंस चॉइस रख रही है इसको देखने के लिए। बाकी ब्लैक मैजिक भाई जिस हिसाब से हो सकता था, ब्लैक मैजिक के हिसाब से जो भी चीज़ें करवाई जा सकती थी आर माधवन के कैरेक्टर से, वो सारी चीज़ें करवाई हैं और ये सारी चीज़ें ट्रिगर करी हैं। तो क्या मानते हो कि 200 या 250 करोड़ ये मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके जाएगी? और अगर अभी तक आपने ये मूवी को देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी नीचे जरूर बता के जाना, और आपके हिसाब से कि क्या और इसमें ऐड कर सकते थे वो भी जरूर बता के जाना। बाकी नहीं देखिए तो जाके जरूर देखो, फाइनेस्ट कंटेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।